हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निलयस किचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने यहाँ पे बोनलेस 500 ग्राम जितना चिकन लिया है। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें इसको मैरिनेट करना होगा। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर 100 ग्राम जितना दही डालेंगे। दही हमने अमूल का लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना हमने यहाँ पे बरिस्ता लिया है उसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला है बहुत ही अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना फूड कलर डालेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो फूड कलर की जगह पे कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। देख सकते हो 2 घंटे हमारे हो चुके हैं, चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। अंडा हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, कभी कभी अंडा बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए हम अंडे को बाउल के अंदर निकाल के ही डालेंगे। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। अगर आप चाहो तो चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं इस हाथ से इसे मिक्स करता हूँ ताकि हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने खाने में और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो। हाथ से मिक्स करने से हमारा चिकन के अंदर मसाले बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। चिकन टिक्का को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन के अंदर हमने करीबन 1 कप जितना ऑयल डाला है। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके चिकन टिक्का को ऑयल के अंदर डालेंगे। हमें गैस की आंच को फुल ही रखना है ताकि हमारा मसाला है जो चिकन में से निकले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। बार बार हमें इसे पलटना होगा ताकि हमारा टिक्का जले नहीं। गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है ताकि हमारा टिक्का है जो बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से फ्राई हो जाए और एकदम क्रिस्पी बने खाने में। और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। आप देख रहे हो चिकन टिक्का हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमें सारे चिकन को इसी तरह से फ्राई करने होंगे। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है। कढ़ाई के अंदर हम वही ऑयल यूज करेंगे जिससे हमने चिकन को फ्राई किया था। अब हम इसके अंदर एक टमाटर और एक ऑनियन की ग्रेवी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स होने जाने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भुनने देंगे ताकि हमारी टमाटर और हमारी ऑनियन की ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाए। आप देख सकते हो ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसके अंदर तेजपत्ता और लाल मिर्च डालेंगे और गैस की आंच को हमें धीमा ही रखना है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून जितनी हल्दी डालेंगे,
1 टेबल स्पून जितना जीरा पाउडर डालेंगे और सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए मसालों को ऑयल के अंदर हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए। आप देख सकते हो ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना नमक डालेंगे। नमक हमें कम ही डालना है ताकि तिक्का के अंदर हमने नमक पहले भी डाला हुआ है। आप देख सकते हो मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है, ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसके अंदर चॉप की हुई 2 ग्रीन चिली डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम मसाले के अंदर फ्राई किया हुआ तिक्का डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। सारे तिक्का को मसाले के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो बहुत ही अच्छी तरह से चिकन तिक्का के अंदर मिक्स हो जाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। हमें इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हमारा मसाला है बहुत ही अच्छी तरह से चिकन तिक्का के अंदर मिक्स हो जाए। आप देख रहे हो चिकन तिक्का हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। हमें इससे ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना है इसलिए हम पानी कम डालेंगे। चिकन तिक्का है जो खाने में ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और गैस की आंच को फुल करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे पका देंगे। आप देख रहे हो 5 मिनट हमारी हो चुकी है, चिकन तिक्का मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होने आया है। आप देख रहे हो चिकन तिक्का मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बनने आया है। अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। चिकन टिक्का मसाला हमारा बन चुका है। अब हम उसके अंदर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी को हम हाथ के अंदर मसल के डालेंगे और गैस की आंच को हम बंद कर देंगे और सर्व करने के लिए हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। चिकन टिक्का मसाला हमारा खाने के लिए तैयार है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब हम चिकन टिक्का मसाले के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे गार्निश करेंगे। चिकन टिक्का मसाला हमारे खाने के लिए तैयार है। होटल से भी अच्छा बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलेंगे जल्द नई रेसिपी के साथ।